सनी लियोनी को मिला था प्यार में धोखा, शादी की तैयारियों के बीच टूटा था बेबी डॉल का दिल, वेडिंग वेन्यू बुक होने के बाद टूटी थी सनी की शादी। क्या थी इसकी वजह? करणजीत कौर उर्फ सनी लियोनी, ये नाम आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बेबी डॉल के नाम से फेमस है। एडल्ट फिल्मों से मशहूर हुई सनी लियोनी ने बॉलीवुड में बोल्डनेस से ऐसा गदर मचाया कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही गई। आज सनी का बर्थडे है, तो इस खास दिन पर हम उनकी लाइफ के एक ऐसे दौर के बारे में बताने जा रहे हैं जब वो बुरी तरह से टूट गई थी। सनी लियोनी आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है और अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी खुश हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सनी को प्यार में धोखा मिल चुका है? ये कब हुआ, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। सनी लियोनी आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म 13 मई 1981 को कनाडा में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम करणजीत कौर है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अपना घर चलाने के लिए वो एक जर्मन बेकरी में वेट्रेस का काम करती थी। इसके अलावा वो अडल्ट फिल्मों में भी काम करने लगी। अडल्ट मूवी में काम करने की वजह से लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि उनका सपना था कि वो एक नर्स बने ताकि गरीबों का इलाज कर सके। बता दें कि सनी लियोनी सुर्खियों में तब छाई जब उन्होंने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री ली। उन्होंने फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के 5वें सीजन में वाइल्ड कार्ड से कंटेस्टेंट के तौर पर घर में एंट्री ली। इस शो से उन्हें एक नई पहचान मिली। बिग बॉस के घर में सनी पर महेश भट्ट की नजर पड़ गई। उन्होंने अपनी फिल्म जिस्म 2 से सनी को ब्रेक दिया। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने इंटीमेट सीन देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म जिस्म 2 से की थी, जिसके बाद सनी ने बेबी डॉल, 4 बोतल वोडका, सैया सुपरस्टार और ट्रिपी ट्रिपी जैसे कई गानों में शानदार डांस करके अपनी पहचान बनाई। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो सनी लियोनी ने डेनियल वेबर संग शादी की है, लेकिन उससे पहले वो किसी और के प्यार में गिरफ्तार थी। एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा किया है कि वो डेनियल से प्यार करने से पहले किसी और से प्यार करती थी। वो शादी भी करने वाले थे, यहाँ तक कि वेडिंग वेन्यू भी बुक हो गया था, लेकिन एक्ट्रेस को ऐन वक्त पर प्यार के बदले सिर्फ धोखा मिला। टीवी रियलिटी शो स्प्लिट्स फीला के एपिसोड में सनी लियोनी ने रिश्ते में धोखा खाने के बारे में खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कंटेस्टेंट को समझाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ का दर्द शेयर किया। सनी ने इसी दौरान टूटी हुई सगाई और धोखा खाने की अपनी दिल दहला देने वाली कहानी का खुलासा किया। उन्होंने कहा, अपने पति से मिलने से पहले मेरी भी एक बार सगाई हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, सचमुच उस रिश्ते में कुछ गलत था, वो इंसान मुझे धोखा दे रहा था। सनी ने आगे कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो मुझसे अब प्यार नहीं करता, और उसने कहा, नहीं मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, ये हमारी शादी से 2 महीने पहले की बात है। हमारी शादी के लिए सब कुछ किया गया, पैसे दिए गए और वेडिंग वेन्यू भी बुक हो गया था। मेरी लाइफ का ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इस बात से मैं पूरी तरह टूट गई थी। फिर भगवान ने मेरे पति को मेरे लिए भेजा, इसके बाद सब कुछ फिक्स हो गया। बता दें कि सनी को प्यार में धोखा मिलने के बाद उनकी जिंदगी में फिर से प्यार की एंट्री हुई। सनी ने डेनियल वेबर से शादी कर ली। सनी ने साल 2018 में एक बच्ची को गोद लिया। इसके बाद वो सरोगेसी से 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनी। आज सनी कुल 3 बच्चों की माँ है। अब वो अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। सनी की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जिस्म 2 से करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शूट आउट एट वडाला, एक पहली लीला, वन नाइट स्टैंड, रागिनी MMS 2, हेट स्टोरी 2 जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो स्प्लिट्स वाला को होस्ट कर यंग जनरेशन के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। सनी लियोनी की लाइफ से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज जनरेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।